space summoned. ये बैग बनाने के लिए हमें 8 इंच बाय 5.5 इंच के 2 पीसेस फैब्रिक, 7 इंच बाय 5.5 इंच का 1 पीस फैब्रिक, 18 इंच बाय 1.5 इंच के 2 पीसेस फैब्रिक, 4 इंच बाय 3.5 इंच का 1 पीस फैब्रिक, 55 इंच बाय 3.5 इंच का 1 पीस फैब्रिक, 8 इंच बाय 5.5 इंच की 3 पीसेस लाइनिंग, 5 इंच बाय 5.5 इंच का 1 पीस लाइनिंग, 7 इंच बाय 5.5 इंच के 2 पीसेस लाइनिंग, 8 इंच की 2 जीपर्स और 5.5 इंच की 1 जीप, 3 रनर्स, 1 एडजस्टेबल हुक, 2 लैनयार्ड हुक, 18 इंच बाय 1.5 इंच की 2 फैब्रिक के पीसेस के साथ हमें 2 लाइनिंग के पीसेस भी हमें लेना है। टेन पॉइंट फाइव इंच का एक बेल्ट का पीस, 5.5 इंच का एक बेल्ट का पीस और 1 इंच का एक वेलक्रो, और ये पाइपिंग की स्ट्रिप है, रोल आता है। पहले हम बेल्ट बनाएंगे। 55 इंच बाय 3.5 इंच का ये फैब्रिक का पीस हम लेंगे और उसकी राइट साइड से हमें एक फोल्ड करना है, और वो फोल्ड करके हमें रॉन्ग साइड से, दोनों साइड से हमें एक एक फोल्ड करना है, और ये होने के बाद हम साइड जॉइन करेंगे। ऐसे करके हमें उल्टा करना है, जो एक्स्ट्रा है वो हम कट करेंगे। ऐसे ही हमें दूसरे साइड में करना है, राइट साइड से एक फोल्ड करके रॉन्ग साइड से हमें दोनों साइड से फोल्ड करना है और एक सिलाई करना है, साइड जॉइन करना है। ये सिलाई होने के बाद हम ऐसे फैब्रिक को उल्टा करेंगे, उसका कॉर्नर हमें अच्छे से निकालना है। ये कॉर्नर हमें अच्छे से निकालना है और ऐसे हमें फोल्ड करके दोनों साइड से हम सिलाई करेंगे। ऐसे हमें सिलाई करते जाना है
और दूसरी साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करके उसको भी हम टर्न करेंगे और कॉर्नर निकाल के उसके ऊपर भी हम सिलाई करेंगे। ऐसे हमें दोनों साइड से सिलाई करके बेल्ट बना के लेना है। अभी हमें 4 इंच बाय 3.5 इंच का ये वन पीस हम लेंगे। ये 4 इंच बाय 3.5 इंच का पार्ट 3.5 इंच की साइड से हम उसको फोल्ड करेंगे। सेंटर फोल्ड करके दोनों साइड से एक एक फोल्ड करके दोनों साइड से हम सिलाई करेंगे। सिलाई होने के बाद हम 8 इंच बाय 5.5 इंच के दो पीसेस लिए थे फैब्रिक के, उसमें से हम एक लेंगे और ऊपर से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है और साइड से हमें 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। और ये जो बेल्ट बनाया था उसका हमें 1/2 करना है कट करके और उसके अंदर हमें ये हुक में डाल के हम वो जो 1/2 इंच का मार्क किया था वहाँ पे हमें जोड़ना है। ये जॉइंट होने के बाद हम ये 10.5 इंच का जो बेल्ट का पीस लिया था वो हम लेंगे और दोनों साइड से एक फोल्ड करके हम उसके ऊपर सिलाई करेंगे। ये दोनों साइड से सिलाई होने के बाद हम 1 इंच का जो वेलक्रो का पीस लिया था वो हमें लेना है और वो हम दोनों साइड से दोनों पार्ट वेलक्रो के हम जॉइन करके लेंगे। दोनों साइड से वेलक्रो जॉइंट होने के बाद हम ऐसे फोल्ड करके ये जो सेंटर मार्क किया था उसके ऊपर हम रखेंगे। हमें इसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस ऊपर रख के हमें उसके ऊपर सिलाई करना है। उससे पहले हम इसे सेंटर किया है, ऐसे ऊपर रखना है वो लाइन से थोड़ा और ये ओपन करके ये 5.5 इंच का ये जो दूसरा पीस लिया था बेल्ट का वो ऐसे रख के उसके ऊपर हम सिलाई करना है। ऊपर जो लूप लगाए थे वो बेल्ट के अंदर कवर हो गए। अभी हमें नीचे जो वेलक्रो है उसके चारों साइड से हमें सिलाई करना है। ये वेलक्रो का पार्ट जॉइंट होने के बाद हम एट इंच बाय 5.5 इंच के थ्री लाइनिंग के पीसेस लिए थे उसमें से हमें एक पीस लेना है और इसके बैक साइड में अंदर की साइड हमें ये पार्ट चारों साइड से जॉइन करके लेंगे। ये लाइनिंग का पीस चारों साइड से जॉइन करके लिया। अभी हमें 7 इंच बाय 5.5 इंच का ये लाइनिंग का पीस लेके ऊपर से हमें 2 फोल्ड करके सिलाई करेंगे। इसके ऊपर एक सिलाई हो गई। अभी हमें ये जो पार्ट बनाया था वो हमें लेके उसके अंदर की साइड से हमें उसको जॉइन करना है। नीचे से हम रखेंगे और तीनों साइड से सिलाई करेंगे। ये सिलाई होने के बाद ये एक पॉकेट हो गया। अभी हमें 7 इंच बाय 5.5 इंच का ये जो फैब्रिक का पीस लिया था वो हम लेंगे
और उसके ऊपर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे ऊपर से और उसको हम कट करेंगे। कट करके हम 5.5 इंच की जो ज़िप ली थी वो हमें उसके ऊपर जोड़ना है और उसके साथ हमें ये जो लाइनिंग का पीस लिया था वो हमें ज़िप के ऊपर रख के उसके ऊपर हमें सिलाई करना है। ये सिलाई होने के बाद हम ये जो लाइनिंग का पीस अंदर की तरफ लेके उसके ऊपर हम प्रेस्टिज करेंगे और तीनों साइड से हम सिलाई करके लेंगे। ये सिलाई होने के बाद हम ये जो ऊपर 2 इंच का कट किया था वो हम उसके ऊपर जॉइन करके प्रेस्टिज करेंगे। ये जॉइन करके प्रेस्टिज करके लिया और राइट साइड से हमें रनर डालना है। ये होने के बाद हम 7 इंच बाय 5.5 इंच का ये जो दूसरा लाइनिंग का पीस लिया था वो हमें इसके ऊपर ऊपर से जोड़ना है और अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये सिलाई होने के बाद हम लाइनिंग को अंदर की तरफ लेके उसके ऊपर प्रेस्टिज करेंगे और चारों साइड से हम सिलाई करेंगे। ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हमें 8 इंच बाय 5.5 इंच का जो दूसरा फैब्रिक का पीस लिया था वो लेके उसके बैक साइड में हमें ये लाइनिंग का पीस चारों साइड से जोड़ के लेना है और उसके ऊपर हम ये जोड़ेंगे तीनों साइड से। ये हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अभी हमें 8 इंच की जो ज़िप ली थी उसके अंदर हमें राइट साइड से रनर डालना है और 18 इंच बाय 1.5 इंच का जो लाइनिंग का पीस और फैब्रिक का पीस लिया था वो उसमें से हमें एक लेना है और यहाँ से हमें ऐसे दोनों पार्ट जॉइन करके उसके ऊपर हमें सिलाई करना है। ये सिलाई होने के बाद हमें उसको उल्टा करना है और उसके ऊपर हमें प्रेस्टिज करना है। ये सिलाई होने के बाद हम ये जो एक्स्ट्रा है वो हम कट करेंगे। ये होने के बाद हम इसका हम सेंटर करेंगे। इसे एक फोल्ड करके हमें सेंटर करके लेना है। वैसे ही हमें ज़िप का सेंटर करेंगे दोनों साइड से। और सेंटर से सेंटर मिला के हमें जॉइन करते जाना है। ऐसे सिलाई करते हमें दूसरी साइड में हम जब आते हैं तभी हमें मशीन से ये फैब्रिक निकालना है। और ये तो इसका मेजरमेंट बराबर है तो हमें कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यह एक्स्ट्रा फैब्रिक होता तो हमें कट करना पड़ता था। अभी हम ये फैब्रिक को ज़िप के साथ जोड़ देंगे। ऐसे हमें जोड़ना है। ये फैब्रिक ये ज़िप की सीधी साइड के साथ हमें रखना है और लाइनिंग हमें बैक साइड में रखना है और हम उसके ऊपर सिलाई करेंगे। ये ऐसे सिलाई होने के बाद हम इसको ऐसे करेंगे और उसके ऊपर हम प्रेस्टिज करेंगे और आगे सिलाई कंप्लीट करेंगे।
ये सिलाई होने के बाद हम ये जो कॉर्नर्स है वो हम कट करेंगे चारों साइड से। और हमें जो टर्न आता है वहाँ पे हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। चारों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट किया और चारों कॉर्नर्स में छोटे छोटे कट लगाए। अभी हमें पाइपिंग अटैच करनी है। इसके लिए हमें पाइपिंग ऐसे रखना है और चारों साइड से सिलाई करना है और पाइपिंग को अंदर की साइड हम फोल्ड करके एक सिलाई करेंगे। चारों साइड से पाइपिंग अटैच की है। अभी हमें इसी तरह से अंदर की तरफ हमें पाइपिंग को फोल्ड करना है और एक फोल्ड करके उसके ऊपर हमें सिलाई करना है। तो ऐसे पाइपिंग दिखेगी। इसको चारों साइड से पाइपिंग से कवर किया। अभी हम ये पार्ट लेंगे और उसका भी हम सेंटर करेंगे ऊपर से, और ये जीप का भी हमें सेंटर करना है। और इसमें जो ये पार्ट लगाया था 18 इंच का, वो उसका मेजरमेंट बराबर था, इसके लिए मैंने इसके ये जीप के ऊपर दोनों साइड जोड़ के लिए है। ये जॉइन करके हम उसके ऊपर प्रेस्टिज करेंगे। लाइनिंग के साथ जोड़ना है। ये फ्रंट साइड में ये रनर ऐसे राइट साइड से जाता है, वैसे ही हमें दूसरा रनर भी राइट साइड से जाएगा वैसे हमें रखना है। ऐसे रख के हम देखेंगे, बैक साइड उसके साथ में रख के हम देखेंगे कि ये जीपर की साइड हम कैसे रखेंगे। वो देख के ही हमें उसके ऊपर सिलाई करना है, तो ही हमारा ये रनर राइट साइड से आएगा। वैसे हमें रख के देखना है और उसके ऊपर हमें सिलाई करना है। ये दूसरा पार्ट भी हमें ऐसे ही जोड़ना है। अभी हमें ये जो बैक साइड का पार्ट है वो हम ऐसे फोल्ड करेंगे और फ्रंट है वो हम ऐसा ही रखेंगे। इसके अंदर हमें ये बैक साइड का जो पार्ट है वो हमें रखना है और उसका जो सेंटर है जेब का वो सेंटर से सेंटर हमें मिला के रखना है। और उसके ऊपर हम ये लाइनिंग का पीस रखेंगे 8 इंच बाय 5.5 इंच का जो लाइनिंग का तीसरा पीस है उसका भी हम सेंटर करेंगे वो, और वो सेंटर से सेंटर मिला के उसके ऊपर हम रखेंगे और पिन से अटैच करेंगे। ऐसे ही हमें तीनों पार्ट साथ में रख के पिन से पहले जोड़ना है और बाद में हम सिलाई करेंगे। तीनों पार्ट हम साथ में लेंगे। पिन से जोड़ते हैं तो सिलाई करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे हमें चारों साइड से पिन से अटैच करना है और हम इसके बाद हम उसके ऊपर सिलाई करेंगे। चारों साइड से सिलाई करके हो गया। अभी हम इसके ऊपर पाइपिंग जोड़ेंगे। पाइपिंग हम नीचे रखेंगे और ऊपर से हम सिलाई करेंगे।
ये पाइपिंग जॉइंट होने के बाद हम पाइपिंग को ऊपर लेके आना है और उसके ऊपर हमें एक फोल्ड करके सिलाई करना है, ऐसे रखना है। ये बैग कंप्लीट हो गई। अभी हमारा ये एक पॉकेट दिखता है, लेकिन हम ओपन करेंगे तो टू जिपर पाउच हो जाएगा। अभी हम ओपन करेंगे। इसी तरह से ये बैग कंप्लीट हो गई। ऊपर एक ये ज़िपर पॉकेट, ये एक ज़िपर पॉकेट, उसके अंदर एक पॉकेट है, ये एक ज़िपर का पॉकेट और ये एक पॉकेट। अभी हम बेल्ट जोड़ेंगे, उसके लिए हमें एडजस्टर में बेल्ट डालना है। इसी तरह से हम नीचे साइड से डालेंगे और ऊपर से हम ऐसे बाहर निकालेंगे। इसी तरह से ये एडजस्टर में बेल्ट डाल के हो गया। ये एडजस्टर में डाल के हमें ये जो लैनयार्ड हुक है उसके अंदर हमें ऊपर से डाल के हम ऐसे नीचे से लेंगे और ये एडजस्टर का सेंटर बार है उसके अंदर हमें ऊपर से डालना है और हमें ये जो बार है उसके नीचे से हमें वो बेल्ट को बाहर निकालना है। और हम उसके ऊपर सिलाई करेंगे। इसके ऊपर सिलाई करके लिया। अब हमें दूसरी साइड में जो दूसरा हुक लिया था उसके अंदर हमें ऐसे डालना है और अंदर की तरफ रख के हम उसके ऊपर सिलाई करेंगे। ये हमें पहले देखना है कौन से साइड में आता है और उसके ऊपर हमें सिलाई करना है। अब हमें ये बैग लेके उसके बैक साइड में हम उसको जोड़ेंगे। हमें कभी ये बेल्ट नहीं चाहिए तभी हम निकाल सकते हैं। कोई वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। हमारे नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।